बिहार की राजधानी पटना में शराबबंदी के बावजूद सूखे नशे का कारोबार काफी बढ़ता नजर आ रहा है। कंकड़बाग थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर सलाम बस्ती से कंकड़बाग थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर सूखे नशे का कारोबार करने वाले तस्कर को 10 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2,47,001 रुपए और चांदी और सोने के आभूषण के साथ कंकड़बाग थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। कंकड़बाग थाना अध्यक्ष रविशंकर सिंह ने युवक की गिरफ्तारी की और सामान बरामदगी की पुष्टि की है। युवक की मां और पत्नी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रही। कंकड़बाग थाने की पुलिस ने दोनों सास और बहू को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी रखी है। हाँ, इस मैक के बारे में सूचना मिलता रहता था कि थाना के बगल में झोपड़पट्टी है, वहाँ लाली नाम की एक औरत है, ठीक है ना, वो ड्रग्स का कारोबार करती है। हम लोग कई दिन से उस पर नज़र रखे हुए थे। कल शाम को उसके यहाँ छापामारी किया गया। लगभग 2,47,000 रुपया कैश बरामद हुई, जो स्मैक की बिक्री का है। कुछ सोना के ऑर्नामेंट्स भी बरामद हुए हैं, सिल्वर के भी ऑर्नामेंट्स बरामद हुए। 10 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ, जिससे लाली का बेटा गिरफ्तार हुआ है। लाली भागने में सफल हुई है। और स्मैक कहाँ से आया है, इस पर भी हम लोग उस पर नज़र रख रहे हैं। इससे पूर्व भी वहाँ में झोपड़पट्टी के आसपास 2-3 आदमी को जेल भेजा गया है स्मैक कारोबार में, लेकिन यह बड़ी मात्रा में करती थी। और हमें लगता है कि कम से कम ये 600-700 पुड़िया का कैश जो बरामद हुआ है, कम से कम 600-700 पुड़िया का बेचा हुआ का पैसा है। सर, ये जो निश्चित तौर पर जो स्मैक के नशे में रहते हैं, वो खुद अपने घर में भी चोरी कर लेते हैं और गिरवी रख के, ये भी हम लोग को सूचना मिला था कि लोग गिरवी रख के भी स्मैक का नशा करते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ घना, क्योंकि उसमें कोई कागजात उन लोग के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। हो सकता है कि हाँ, चूँकि जो कैश बरामद हुआ है उसका लग रहा है कि बड़े पैमाने पर करती थी। हो सकता है कि ये ज़्यादा मात्रा में मंगाती थी और छोटे छोटे जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो इस संबंध में भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। इसकी बहू भी इसके घर में 3 आदमी व्यस्त के रूप में है, माँ बहू और बेटा, जिसमें से बेटा की गिरफ्तारी हुई है। माँ बहू फिरार हुए, बेटा का नाम राजकुमार है। हाँ, ये सब थाना मोड़ झोपड़पट्टी के ही रहने वाले हैं। लोग झोपड़पट्टी में अंदर में रहते हैं, ये सब का अवैध कारोबार करते हैं। द ब्लैक बोर्ड, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रांची। अब आपकी मोहल्ले वाली दुकान बन सकती है मोहल्ले वाली बैंक। इजी कैश पॉइंट आपको कम खर्च में CSP खोलने का मौका देता है, जिसके जरिए आधार कार्ड द्वारा किसी भी बैंक से पैसे निकालने, जमा करने और मोबाइल, DTH और इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करके आसानी से 15,000 से 20,000 तक का कमीशन कमा सकते हैं। तो CSP ID के लिए आज ही कॉल करें 7726006565 पर और बनिए मोहल्ले का मिनी बैंक।